यूपी में योगी सरकार हवाई कनेक्टिविटी का लगातार विस्तार कर रही है। इसके तहत अब हवाई सफर करने वालों के लिए एक और खुशखबरी है। 15 सितंबर से कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इसके साथ बरेली एयरपोर्ट से भी 12 अगस्त से मुंबई तो 14 अगस्त से बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू हो रही है। इतना ही नहीं, प्रयागराज से हिंडन एयरपोर्ट के बीच जल्द फ्लाइट का ट्रायल किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फ्लाइट का संचालन भी शुरू होगा। इसके अलावा यूपी के सभी एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इन योजनाओं से साफ है कि निकट भविष्य में गाजियाबाद सहित कई और शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ के लिए फ्लाइट का ट्रायल शुरू करने पर चर्चा की। बैठक में एयरलाइंस कंपनियों से बात कर टूरिज्म डेवलपमेंट पर प्लान बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रयागराज से मौजूदा समय में दिल्ली और मुंबई समेत शहरों के लिए नियमित तौर पर फ्लाइट है। कोरोना का कहर कम होने के बाद से यात्रियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।